हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत शुक्रवार को स्थानीय जैन चौक स्थित हनुमान मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता देवराज महता ने तेलीवाड़ा क्षेत्र के लोगों को कांग्रेस की नीतियों से नागरिकों को अवगत करवाया। देवराज महता ने कहा कि भाजपा शासनकाल समस्याओं की सरकार है, जिसने आम जन को राहत पहुंचाने के बजाय उनकी समस्याएं दोगुनी करने का काम किया है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मीडिया आगराज में पिछले कुछ 10 सालों के मुकाबले में तो मीडिया हमें प्रेफरेंस दे रहा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने मीडिया के लिए आवाज उठाई, संसद में मीडिया को घुसने नहीं दिया था उन्होंने। इसका मतलब वो किसी हद तक भी जा सकते हैं जिन्होंने जिस मीडिया ने उनका साथ दिया, लगातार उनके लिए उनका समर्थन किया, उन्होंने उस मीडिया को भी संसद से बाहर कर दिया। मेरा नाम अरुण सराफ है, मैं महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का इंचार्ज हूँ, प्रभारी हूँ। महेंद्रगढ़ भिवानी क्षेत्र के अंदर आने वाली 9 की 9 विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। लोगों का एक रुख है कि अब बदलाव चाहिए लोगों को। अगर आप व्यापारियों की हालत खुद देख लीजिए, आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप शहर के अंदर चले जाइए, किसी भी शहर के अंदर, मैं भिवानी की बात नहीं करूंगा, आप इस लोकसभा के किसी भी विधानसभा के शहर बाजार के अंदर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा सड़कों का रुख क्या है। हमें उनका सबका निवारण जैसी ही कांग्रेस सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वायदा किया है, आते ही पहले ही फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये फजूले पोर्टल सब बंद कर दिए जाएंगे और आम आदमी को राहत मिलेगी। जैसे अगर हम 10 साल पहले जाके देखें तो कांग्रेस राज में सभी वर्ग खुश थे, व्यापारी खुश था, कर्मचारी खुश था, किसान खुश था, और आज ये पोजीशन है, व्यापारी सड़कों पे है, किसान सड़कों पे है, कर्मचारी सड़कों पे है, युवा बेरोजगार है, इतने रोजगार, इतने पद खाली हैं लेकिन युवा खाली बैठा है। लेकिन आज देखो, इलेक्शन नज़दीक आते ही इन्होंने